दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश भदौड़ी के जन्मदिवस पर गोविंदपुरी के दुर्गा माता मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हवन और भंडारा कर मनाया उनका जन्मदिवस। तस्वीरें गोविंदपुरी दुर्गा माता मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी कार्यकर्ता यहां पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें भंडारा बांट रहे हैं, और उसी तरीके से जगह जगह सांसद रमेश भदौड़ी का जन्मदिवस उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में कपिल गर्ग, पन्ना लाल गर्ग और समस्त कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे और लोगों की सेवा कर सांसद का जन्मदिवस मनाया। और कहा जिस तरीके से सांसद संसद में खुद गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह उनके जन्मदिवस के मौके पर हम यह दिन सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना बांट रहे हैं और भंडारा लगाकर लोगों को उन्होंने वहाँ खाना भी बांटा और साथ ही साथ उनकी दीर्घायु के लिए हवन भी कराया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनकी लंबी उम्र की मनोकामना करी। आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरीके से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हुए यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है और यह सब खाना सांसद रमेश भदौड़ी के जन्मदिवस के मौके पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उनके जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में उनके कार्यकर्ता मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम पन्ना लाल गर्ग है। आज किस तरीके से जन्मदिवस मना रहे हैं, किस उपलक्ष्य में? ये देखिए, हमारे सांसद हैं रमेश भदौड़ी जी, दक्षिण दिल्ली से वो सांसद हैं। आज उनका जन्मदिन कपिल जी के माध्यम से और हमारी जो यहाँ की संस्थाएं मंदिर की उनके माध्यम से मनाया जा रहा है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में उनका जीवन अपूर्ण रहे और ऐसे ही वो सेवा करते रहें, समाज की भी और सांसद के रूप में भी देश की भी सेवा करते रहें, यही हमारी सोच है। किस तरीके से महसूस करते हैं कि जन्मदिवस आज सेवा दिवस के मौके पर मना रहे हैं? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि देखिए हमारे सांसद हैं, यहाँ से संसद में भी जनता की आवाज़ उठाएँ और व्यक्तिगत भी जो उनका क्षेत्र है, क्षेत्र के अंदर के एक विकास कार्य के रूप में हम इस जन्मदिन को देखना चाहते हैं और यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ कि क्षेत्र में विकास होता रहे, संसद में आगे क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाते रहें, ये हम सांसद जी से प्रार्थना करते हैं। जी, आज किस तरीके से आप अपने लोकप्रिय सांसद रमेश भदौड़ी का जन्मदिवस मना रहे हैं, क्या लोगों के तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि हमें पता है कि गुप्त नवरात्रों का हमारे देश में बहुत महत्व है, माँ की हम सभी पूजा करते हैं, तो माँ के आज आखिरी नवरात्र के उपलक्ष्य में और आज हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश जी भदौड़ी जी का जन्मोत्सव है, इस उपलक्ष्य में दोनों बातों को ध्यान में रखकर दुर्गा माता मंदिर लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर मंदिर की स्थापना है और आज ऐसा आयोजन लोकप्रिय सांसद श्री रमेश भदौड़ी जी के लिए उनके जन्मोत्सव के मौके पर भंडारे और यज्ञ का आयोजन यहाँ मंदिर समिति की ओर से किया गया है। सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल है, तो इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं में किस तरीके से ऊर्जा है, आप मना रहे हैं और भी लोग हैं? आप देख सकते हैं आपके सामने ही सभी कार्यकर्ता हैं, सभी जोश से भरे हुए हैं, आनंद है और एक आनंद का माहौल है, सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमरनाथ है और मैं साउथ दिल्ली से ही हूँ, कालका जी से। आज हमारे माननीय सांसद जी का जन्मदिन है और हम सभी जो लोग हैं और मंदिर की जो कमेटी है वो और यहाँ के सभी संस्थाएं और सभी जन लोग उनके आज जन्मदिवस पे हम लोग जो हैं हमें सेवा दे रहे हैं हम लोग, और अभी सुबह उनके हम लोगों ने हवन भी कराया और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु उम्र मिले, स्वस्थ रहें और जो है उनके अंदर में ऐसी ही ऊर्जा सदैव बनी रहे और समाज के लिए और यहाँ की साउथ दिल्ली और दिल्ली और देश की के लिए वो कल्याण का काम करते रहें। और जो प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं और जो हम लोगों का जो विश्व गुरु के तरफ जो हमारे देश को जो है उसमें वो अपना अग्रणी भूमिका निभाते रहें, हमारी यही प्रार्थना।